जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी लेटेस्ट भर्तियां हो रही है वो किस प्रकार हो रही है और किस प्रकार कोविड से प्रोटेक्शन रखा जा रहा है और आप लोगों को भर्ती में आने के लिए क्या चीज़ आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देख लिया होगा कि कोल्हापुर भर्ती के बाद में COVID-19 का टेस्ट की रिपोर्ट आपको एडमिट कार्ड के साथ में लगानी होगी, आपको लेके आनी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं कि भर्तियाँ किस प्रकार हो रही है और अभी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी है। पता है क्या कि पिछले बार क्या होता था कि खूब सारे भीड़ को इकट्ठा दौड़ा दिया जाता था, लेकिन अब कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भर्तियां कराई जा रही है। इसमें आपका भी फायदा है, एक तो भीड़ कम, नहीं तो इकट्ठा भगदड़ में आप लोगों को दौड़ने में प्रॉब्लम भी आती होगी। अभी आप लोगों के साथ में ये काफी अच्छा बेनिफिट है और ये अच्छा भी है। इससे क्या होगा कि एक तो कोविड से रोकथाम भी होगी और भर्तियां भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं ब्रीफिंग करते रहता हूँ। इस साल जैसे आप लोगों को पता है कोविड की वजह से फरवरी के बाद से कोई रैली नहीं हुई, ये हम लोग रैली कर ही नहीं पाए और हमें समझ नहीं आ रहा था कि रैली हम लोग कैसे करें। अंत में आते आते गढ़वाल में जो एआरओ साहब हैं हमारे, एआरओ कर्नल साहब कर्नल वाजपेयी साहब ने इनिशिएटिव लिया कि हम शुरुआत करते, और ये शुरुआत यहाँ की नहीं थी, ये शुरुआत पूरे देश के लिए थी। पूरे देश में रैली रुक गई थी, उसकी वजह से हमारे फौज में जो रिटायर जा रहे थे वो सब तो रिटायरमेंट हो ही रहा था और धीरे धीरे नफरी कम हो रही थी। तो रैली कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुन ली होगी कि पेंशन वाले जा रहे थे, उनकी वैकेंसीज भी खाली हो रही थी, कोविड की वजह से भर्तियां हो नहीं पा रही थी, तो जो सबसे पहले शुरुआत की वो एआरओ कोटदार ने की कि कोविड के दौर पे हम कराते हैं रैली और हम अपने हिसाब से कराते हैं, जिसमें कि कोविड के जो सारे नियम हैं उनको ध्यान में रख के रैली कराई जाएगी। फ्रेंड्स, देखिए भर्ती टीम किस प्रकार कैसे सूट में है और किस प्रकार आपके मुंह पे मास्क लगा हुआ है, और देखिए कैसे आपका फिजिकल यानी कि हाइट वेट चेस्ट आपकी मेजरमेंट की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर आपकी हाइट, यहाँ पे आपकी हाइट नापी जा रही है। अब आपके वेट नापा जा रहा है 53। और वेट होने के बाद फिर आपकी चेस्ट मेजरमेंट की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और कोविड के नियमों को ध्यान में रख के मेजरमेंट किया जा रहा है। आप लोगों के पास में काफ़ी वक्त भी रहता है, पीछे आप लोग वार्मिंग अप कर सको जिससे कि चेस्ट फुलाने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, ये है 1600 मीटर रनिंग का और आप देख रहे होंगे कि पहले की अपेक्षा भीड़ भर्तियों में भीड़ मतलब बंदे कम दौड़ाए जा रहे हैं। पहले की अपेक्षा भीड़ तो है ही है, लेकिन पहले की अपेक्षा जरूर कम है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिम में भी देखेंगे तो जो पुलअप्स है जिसे हम बिम भी कहते हैं उसमें भी ज़्यादा भीड़ नहीं लगाई है, आप देख सकते हैं। और पीछे गड्ढे में भी देख लीजिए, सबके चेहरे पे मास्क और भीड़ कम। देखिए फ्रेंड्स, चाहे गड्ढा हो, चाहे पुलअप्स हो, चाहे रनिंग हो, सब में एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रखा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलअप्स में भी इन लोगों ने मास्क पहना है, साथ ही 9 फीट डिच के लिए भी ये लोग मास्क पहन के ही दौड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल में भाई बहन जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।